नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे महाकाली केव्स। महाकाली केव्स मुंबई में है और मुंबई भारत का इकोनॉमिक कैपिटल होने के कारण एक्सेसिबल है हर तरह से। हर तरह के होटल्स अवेलेबल है और जो एकोमोडेशन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में ही रहता है। महाकाली केव्स की खास विशेषता है कि मुंबई के जैसे शहर में और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतनी बड़ी जगह को एज अ मॉन्यूमेंट प्रिजर्व करके रखना एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अप्रिसिएशन है। आइए ये देखते हैं महाकाली महाकाली केव से केव्स। गुफा का रास्ता है, कोंडियोट गुफा भी इसको कहते हैं मुंबई का। ये कोंडियोट गुफा जाने के लिए रास्ता है। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं इस गुफा में क्या है। बाहर पार्क जैसी चीज़ बनाई हुई है, अच्छे से डेवलप किया है इस पार्क को। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं अंदर। ये गुफाएं शुरू है यहाँ से, कोंडियोट का केव्स। इसको 2nd सेंचुरी AD से 6th सेंचुरी AD के बीच बनाया गया था और इसमें 4 केव्स हैं टोटल। और जो नॉर्थ फेस करती हैं 4 केव्स, और 15 ऐसे केव्स हैं जो साउथ करते हैं। साउथ एयर वोल्केनिक ट्रैप बसाल्ट से इसको बनाया गया है। और ये गुफाएं जो हैं ये सारी की सारी वेदर इरोशन से बची रहती हैं। और ये इतनी पुरानी गुफाएं हैं, चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं। तो जितनी सारी गुफाएं मैंने अभी तक देखी हैं, अजंता एलोरा की हो या एलिफेंटा केव्स हो या जितनी सारी भी गुफाएं देखी हैं, इनमें इन गुफाओं में एक बहुत ही ख़ास चीज़ नज़र आई। ऑल दो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और इन गुफाओं में जाने के लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फ़ी डिसाइडेड है उनके वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी फ़ी लिया जा सकता है। लेकिन जो ख़ास बात इसमें यह है कि इसको प्रिजर्व किया है एक बड़े ही कंक्रीट जंगल के बीच में। बीच मुंबई में इतना ज़्यादा जगह निकालना, इतना ज़्यादा जगह पर इसको प्रिजर्व करके रखना, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था और जो हर गुफा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट होनी चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे देखने में आया नहीं। ना तो कोई टूरिस्ट गाइड है, ना ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई और व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस दी गई हैं, ना ही यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी गई हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद भी ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको देखा जा सकता है। हाँ, टूरिस्ट नहीं है, और क्योंकि टूरिस्ट कोविड का कारण हो सकता है, बट टूरिस्ट यहाँ पर है नहीं और उतनी अच्छी व्यवस्था भी मुझे लग नहीं रही। फिर भी यह एक, अगर आपको पत्थरों से इतिहास जानने का शौक हो तो एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। जी हाँ, महालक्ष्मी के केव्स टेम्पल। आइए अब बात करते हैं महाकाली केव के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। जो महाकाली केव के स्ट्रक्चर है, यह मुख्य रूप से दो अलग अलग भागों में विभाजित है या उनको डिवाइड किया जा सकता है। और टोटल ये 19 रॉक कट माउंटेन्स है। महाराष्ट्र में रॉक कट माउंटेन्स से बहुत सारे माउंटेन को काट काट कर केव्स बनाने की परंपरा बहुत है। और ये जो महाकाली केव्स है, ये 1st सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक इसका निर्माण हुआ था। मोस्टली ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और बुद्धिस्ट स्तूप जैसी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आपको दिखाते हैं, बुद्धिस्ट स्तूप भी यहाँ पर है। तो इसको जो दो ग्रुप में मैंने बताया था, जो 4 केव्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हैं और 15 केव साउथ ईस्ट की तरफ हैं।
ज़्यादातर केव बुद्धिस्ट विहार हैं, और जैसा कि मैंने वीडियो में कवर भी किया है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, भिक्षु होते थे, उनके रहने की भी जगह यहाँ पर थी और उनको ज्ञान अर्जित करने की भी जगह यहाँ पर थी। तो इसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी तरह से खंडित हो गई हैं, और महाकाली की मूर्ति भी है जिसके कारण इसको महाकाली केव्स के नाम से भी जाना जाता है। और मूर्तियाँ जिस तरीके से बनाई गई हैं वो सॉलिड बेसाल्ट रॉक से, ब्लैक बेसाल्ट इस जगह पर है, तो वो ब्लैक बेसाल्ट को लेकर के भी यहाँ पर सारी की सारी मूर्तियाँ उससे बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी केव है यहाँ पर, उसको कॉन्डिविटे केव, केव नंबर 9 के हिसाब से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के 7 अलग अलग फिगर्स या स्टैचूज उसके अंदर हैं। बट सारी की सारी चीज़ें जो देखभाल के अभाव में ख़राब हो चुकी हैं। ये मूर्तियाँ हैं इसके अंदर जिसकी बात कर रहे थे, ये देखिए, और ये जो स्ट्रक्चर है मुझे मोर और लेस ये शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो शिवलिंग या स्तूप जैसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। वेदर का इम्पैक्ट तो यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसके अंदर छोटी छोटी रहने की चीज़ें बनाई गई हैं। जितना आर्किटेक्चर मैंने देखा है इन गुफाओं का, उसमें ऐसा लगता है कि ये महाकाली की जो गुफाएं हैं ये किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट रही होंगी, और मुझे लगता है कि इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी या इससे भी पुराने धर्म से जुड़ी गुफाओं के अंदर आर्किटेक्चर होगा। छोटे छोटे से कमरे बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि किसी के रहने की जगह, हॉस्टल जैसी चीज़ कह सकते हैं ये थी, जहाँ पर किसी आर्ट को या मेडिटेशन को कैरी आउट किया जाता रहा होगा। जो ये महाकाली का केव्स है, जनरली स्पीकिंग जो इससे मीनिंग महाकाली हिंदू देवी काली का इससे इसको ये डिसेप्ट करता है या इससे पता चलता है, कुछ मूर्तियां हैं जिसको माँ काली जैसा माना जाता है जिसके कारण इस केव्स का ऐसा नाम दिया गया है। लेकिन जहाँ तक केव्स की बात है और केव्स के डिज़ाइनिंग की बात है, जितने भी अभी तक केव्स टेंपल हमने देखे हैं जो बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, चाहे एमपी का सांची हो या अजंता एलोरा की गुफाएं हो या जो भी गुफाएं मैंने अभी तक कवर की हैं, तो उसमें बुद्धिज़्म ही ज़्यादा दिखता है, और वही स्थिति इस जगह भी है। तो ये महाकाली का जो केव्स है ये बुद्धिज़्म का ज़्यादा दिखता है, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, उनके उनके बताए हुए रास्ते यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं, बजाय इसके कि वो हिंदू टेंपल जैसा बहुत कम ही दिखता है। जो वॉल के इंस्क्रिप्शंस हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिस तरह बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान बुद्ध के सारे इंस्क्रिप्शंस पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। जो कंस्ट्रक्शन का टाइम 1st सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी BC है, ज़्यादातर बौद्ध विहार के रूप में बनाया गया है, और एक चैत्य या प्रेयर हॉल एक है जहाँ पर प्रेयर किया जा सकता है। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो सारे केव्स और इसकी डिज़ाइनिंग है ये सम्राट अशोक के काल में ही की गई थी, और जो सारे की बात करें ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है,
और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बौद्ध स्तूप है वो एक चैम्बर के अंदर बनाया गया है, और कभी कभी इसे शिवलिंग जैसा भी पूजा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये स्तूप है या शिवलिंग है या माँ काली का इससे रिलेशन किस तरह से है, ये एक पूरी तरह से एस्टैब्लिश किया जाना इस चीज़ को अभी बाकी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है, इस जगह को विजिट करना मत भूलिएगा मुंबई का विजिट हो तो। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।